आज जयपुर में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जंतर मंतर के यंत्रों के वैज्ञानिक महत्व पर संवाद किया गया। जंतर मंतर के अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि संवाद का उद्देश्य लोगों में खगोलीय और ज्योतिष विज्ञान की जानकारी के साथ विरासत और धरोहरों के संरक्षण का संदेश देना है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर जंतर मंतर पर पर्यटकों का निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और सुबह 11 बजे से ज्योतिषविदों और वास्तुविदों द्वारा जंतर मंतर के यंत्रों की वैज्ञानिक महत्ता का उपयोगिता पर चर्चा की जा रही है और शोधार्थी विद्यार्थियों को भी इसमें जोड़ा गया है और सुबह परंपरागत रूप से स्वागत किया गया टूरिस्ट का और रंगोली बनाकर और उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। यंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ा संग्रह है। इस तरह का संग्रहालय, इस तरह का संग्रह जो वैदिक और खगोलीय ज्योतिष की गणना के लिए अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। वैसे तो वैदिक काल से ही भारतवर्ष में गणना की जाती रही है। खगोल को देखकर आसमान में नक्षत्रों के राशियों के नामकरण किए गए और कई अधिक मास आदि की कई सारी गणनाएं की गई, लेकिन जयपुर का जो ज्योतिष यंत्रालय है उसमें राशि वलय यंत्र अपने आप में अद्भुत है। अन्य यंत्र भी यहाँ के अपने आप में अलग दिशा और आज भी 300 वर्ष के बाद भी आज पूर्ण रूप से सक्रिय हैं।